दोस्तों, डॉक्टर गेल एक अमेरिकन वंश की भारतीय समाजशास्त्र थी। उन्होंने महात्मा फुले, अंबेडकरवाद और मार्क्सवाद इन जैसे लेफ्ट आइडियोलॉजी का अभ्यास यहाँ पर रहकर किया था। उन्होंने नॉन ब्राह्मीन मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया इस विषय पर पीएचडी के लिए थेसिस अमेरिका में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में प्रस्तुत किया था और इसके लिए उनको डॉक्टरेट की डिग्री से भी नवाजा गया था। भारत की अलग अलग विचारधाराओं का अभ्यास उन्होंने यहाँ पर किया था। इन विचारधाराओं का अभ्यास करते करते उनके कदम महाराष्ट्र की उस जमीन पर आकर थम गए जहाँ पर फुले और आंबेडकर जैसे महाज्ञानी, प्रकांड पंडित और प्रज्ञा सूर्य व्यक्ति महत्व के सामाजिक संघर्ष से और तत्वज्ञान से वे बहुत प्रभावित हो गई थी। दोस्तों, जैसा काम महात्मा फुले और बाबा साहब ने भारतीय महिलाओं के लिए किया है, इस बात से डॉक्टर गेल बहुत प्रभावित थी और उनके इस कार्य को अपना मानकर वे यहाँ की मूवमेंट का एक अटूट हिस्सा बन गई। दोस्तों, एक अमेरिकन वंश की महिला बाबा साहब और महात्मा फुले इनके अथक कार्य की कीमत समझती है, पर दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय महिला आज भी महात्मा फुले और बाबा साहब ने उन पर किए हुए इस उपकार को नहीं समझ पाती। उम्मीद है भारतीय महिला डॉक्टर गेल से कुछ प्रेरणा ले। डॉक्टर गेल को हमारी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।